हमारी सभी वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इसमें इस्तेमाल होने वाली किसी भी दवाई या फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने की सलाह या राय नहीं देते, और हमारी वीडियो में दी गई सभी जानकारी हमारे पास साल के अनुभव की सहायता से दी गई है। हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत ना हो। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। स्प्रे लेने वाले हैं तो वो स्प्रे किस लिए और क्यों ले रहे हैं, तो चलिए मैं आपको ये सब वीडियो में आगे बताऊंगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मौसम जो है वो ठंड का है, तो कलिया आप देख सकते हैं पेड़ों की सिचुएशन क्या है। कुछ थोड़े आगे है, कुछ थोड़े बहुत पीछे है, तो इस तरीके की जो है सिचुएशन है। प्लांट जो है अच्छी तरीके से जो है फ्लावरिंग में आ चुके हैं अब। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि फ्लावरिंग के लिए हमें पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है, और पॉलिनेशन के लिए चाहिए मधुमक्खियाँ। तो मुझे मधुमक्खियाँ कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही बगीचे पर, तो हम क्या करने वाले हैं इसके लिए, अब एक स्प्रे लेने वाले हैं। आप देख सकते हैं कुछ पेड़ों पर कम कलियाँ है, कुछ पेड़ों पर ज़्यादा है, और अब आप ये देखिए इस तरीके से जो है कलियाँ लगी हुई है पेड़ों के ऊपर, ये देख सकते हैं आप। तो ये सारी की सारी मादा कलियां है ऐसा नहीं है, कुछ तो कुछ नर कलियां भी है इसमें, आप देख सकते हैं। तो ये जो कलियां अब लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक स्प्रे लेंगे मधुमक्खी आने के लिए, जिससे कि मधुमक्खी आने के बाद इसका पॉलिनेशन होगा और तुरंत बाद ही फल की जो है वो सेटिंग पूरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया जो है फ्लावरिंग मुझे यहाँ पर लग रही है। ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया, कितनी सारी कलियाँ यहाँ पर लगी हुई है। चलो तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम जो है वो कौन सा स्प्रे लेने वाले हैं। तो जैसे कि वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो है मधुमक्खियों के लिए एक स्प्रे लेने वाले हैं, तो वो स्प्रे किस लिए होगा कि जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि हमें पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों की ज़रूरत होती है, तो उसी लिए मधुमक्खियाँ मुझे बगीचे पर इतनी ज़्यादा दिखी नहीं, तो उन्हें आकर्षित करने के लिए हम एक स्प्रे लेने वाले हैं। तो ये स्प्रे किन चीज़ों का होने वाला है, गुड़, दालचीनी और छाछ, ये इन तीनों चीज़ों का जो है हम स्प्रे लेने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं आपको मात्रा बता देता हूँ। तो मैं 600 लीटर पानी के लिए करने वाला हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। तो 600 लीटर पानी के लिए दालचीनी चाहिए हमें 300 ग्राम, गुड़ चाहिए लगभग 3 किलो, और छाछ जो है वो हम लेंगे 4 से 5 लीटर तक। सबसे पहले जो दालचीनी है उसे पीस लेंगे मिक्सर। तो हम क्या करेंगे कि दालचीनी, छाछ और गुड़, तो इनका जो मिक्सर बनेगा उसे मिक्स करके रात भर वैसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद कल क्या करेंगे कि उसे निकाल कर अच्छी तरीके से मिक्स करके उसका स्प्रे लेने वाले हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि हम किस तरीके से करेंगे। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इस बकेट में हमारे पास है 3 किलो गुड़, उसमें है छाछ है लगभग 2.5 लीटर, 1-1.5 लीटर जो बची है वो हम उसमें बाद में डाल देंगे। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा 300 ग्राम जो है दालचीनी का पाउडर है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सबको एक बार मिक्स कर लेंगे और रात भर इन्हें भिगोने के लिए छोड़ देंगे, और सुबह जो है उसे छानकर उसका जो है हम स्प्रे लेने वाले हैं। तो चलिए इसे एक बार मिक्स करते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके रात भर जो इसे भिगोने के लिए छोड़ देंगे। तो मिलते हैं कल सुबह और देखेंगे किस तरीके से हम इसका जो है स्प्रे करने वाले हैं। तो हमने जो है इसे कल रात भर जो है भिगोने के लिए छोड़ दिया था, तो ये जो है अब तैयार है स्प्रे के लिए, और बहुत बढ़िया स्मेल इसमें से जो है वो आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे जो है इस छलनी की मदद से दो बार छान लेंगे, ताकि
उसमें थोड़े भी ये जो पाउडर है इसके ये छोटे छोटे कण ना बचे, क्योंकि ये क्या करेंगे फिर हमारे ब्लोअर के जो गन होते हैं उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे अच्छी तरीके से छान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे जो है हमने एक बार पहले छान लिया है, पर अब क्या करेंगे फिर से एक बार इसमें छान लेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर नहीं छानेंगे तो उसमें जो इस तरीके के जो पार्टिकल्स होंगे ये हमारे गन जो है ब्लोअर का जो गन है उसे जाम कर सकते हैं और हमें स्प्रे करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए जो है इसे हम दोबारा छान लेंगे। तो पार्टिकल बचे हुए हैं, तो इसीलिए जो है हमने उसे फिर से दोबारा जो है वो छान लिया है। और अगर डाउट हुआ तो मैं इसे जब ब्लोर में डालूंगा तब फिर से एक बार छान लूंगा, ताकि हमें अभी थोड़ी मेहनत लग सकती है इस काम में, पर बाद में जो है हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये स्प्रे जो है हम पेड़ों पर करने वाले हैं, जैसे कि हम हर स्प्रे करते हैं। कुछ इसी तरीके से स्प्रे होने वाला है। और अब देखते हैं, कल मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका फायदा हुआ या नहीं हुआ। स्प्रे के बाद जो है पेड़ों पर से स्मेल तो आ रही है मुझे, दालचीनी गुड़ और जो भी हमने इस्तेमाल किया था छाछ वगैरह, तो स्मेल तो अच्छी आ रही है। अब देखना पड़ेगा कल क्या होता है, मधुमक्खियाँ आती है या नहीं। अब जो है हमने स्प्रे ले लिया है, तो अब हम कल देखेंगे कि इसका कितना फ़ायदा हुआ, मधुमक्खियाँ आती है या नहीं आती है। तो कुछ बार क्या होता है कि एक स्प्रे से काम नहीं होता, हमें दो बार स्प्रे लेने पड़ते हैं। तो ये तो हमें कल ही पता चलेगा कि क्या होगा। के वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि इस स्प्रे का कितना फ़ायदा हुआ या फिर नहीं हुआ, या फिर दोबारा लेना पड़ सकता है। तो नहीं आती है तो आप ये प्रयोग जो है बिल्कुल कर सकते हैं। 101% 101% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मधुमक्खियाँ जो है दौड़ते हुए आपके बगीचे में आएगी। तो देखते हैं कल के वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ।